वीडियो के बाहर सब अपनी चप्पल उतार लो और घंटी बजाकर अंदर आ जाओ। Hey, what is up everybody and welcome back to another video. तो दिसंबर 2016 में जब मेरे सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स थे, मेरे एक सब्सक्राइबर जिसका नाम है दीपेश, उसने मुझसे एक वीडियो रिक्वेस्ट किया था जो कि था अपने स्कूल या कॉलेज का सबसे मेमोरेबल मोमेंट बता। और मैंने उसे बोला था कि मैं ये वीडियो तब बनाऊंगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और भाई अभी तो 2 लाख हो गए, मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाया। Which means ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the brand new series जिसका नाम है टट्टी और अद्भुत कहानियां विद रॉनी। Let's begin. So, 2011 में मैंने मेरे 10th के एग्जाम्स दिए थे बिल्कुल उसी तरह ऐसे तुम लोग अभी अपना दे रहे हो। सिर्फ डिफरेंस इतना है, हमारे टाइम पे मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स हुआ करता था, तुम्हारे टाइम पे मुझे सुनने में आया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कि तुम लोग जानते होंगे, मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं जैसे तैसे मतलब झक मार के थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया और एग्जाम मैंने दे दिया। अब एग्जाम्स होने के बाद ना अपन एकदम फुल कॉन्फिडेंस में कि भैया अपने को 95% ही आएगा। पता है एग्जाम में बॉलीवुड और हॉलीवुड का स्टोरीज लिख के आया हूं, और कहीं कहीं तो GTA सैन एंड्रियास में कार्ल जॉनसन ने स्वीट को क्यों मारा वो लिख के आया था मैं, पर फिर भी 95% आएगा। तो 95% के साथ हमारा फुल कॉन्फिडेंस कि अपन जाएंगे सेंट जेवियर्स कॉलेज में, क्योंकि वहां पे सारे टॉपर्स पढ़ते हैं। अगर आप आके हम लोगों से बोलते कि मैं सेंट जेवियर से पढ़ता हूं, उसका मतलब भाई 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 भाई, भाई तुम्हारे चरण किधर है भाई, पैर दिखाओ भैया, ये हालत था। अब यहां पे हमको कुछ आइडिया नहीं कि सेंट जेवियर्स आता किधर है, बट हम सबको पढ़ना किधर है, सेंट जेवियर्स कॉलेज में। तो 10th के बाद एकदम मन में लड्डू फूट रहे कि भाई अभी फाइनली हम लोग कॉलेज में जाएंगे, मजे करेंगे, कैजुअल ड्रेस पहन के जाओ, फोन लेकर आओ, कैंटीन में चिल मारो, दोस्तों के साथ टाइम पास करो, और जो लेक्चर बैठने का मूड नहीं वहां से चुपचाप कैंटीन मार लो, आपको कोई टीचर कुछ नहीं बोलेगा। मेरे को ऐसा लगता था। ये सुन के लग रहा ना जिंदगी एकदम सफल, पर फिर क्या हुआ, पापा ने जाके जूनियर कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। जूनियर कॉलेज मतलब ऐसा चीज किसी ने इन्वेंट क्यों किया, क्या मजा है? जूनियर कॉलेज का मतलब क्या है? मतलब एक इंसान एक बार काला पानी कर लेगा, सजाए मौत स्वीकार कर लेगा, पर जो बंदा कॉलेज के बारे में ऐसे सपने देख कर रखा है ना, वो जूनियर कॉलेज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो हम भी क्या चले गए जूनियर कॉलेज एकदम फुल स्वैग के साथ। अब यहाँ का सबसे बड़ा दिक्कत है यूनिफॉर्म, समझ रहे हो, यूनिफॉर्म, जिस चीज से आप बचकर भाग रहे हो ये उम्मीद लगाकर कि स्कूल के बाद आपको यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ेगा, वही चीज घूम फिर के आपके गोद में आकर बैठ जाती है। जूनियर कॉलेज का सबसे पहला नियम है आपको यूनिफॉर्म पहनना है। अब ये सुन के मैंने एक सेकंड के लिए अपने लाइफ को सेकंड डाउट किया कि भाई मैं कर क्या रहा हूं जीवन के साथ। मतलब एक बार आपकी क्रश को आप आई लव यू बोलोगे, वो ना बोलकर निकल लेगी, वो दर्द आप सहन कर लोगे। पबजी में लास्ट जोन में आके हैकर से मर के सेकंड आओगे, वो दर्द भी आप सहन कर लोगे। बिरयानी पार्टी में जाकर वेज बिरयानी खाकर आओगे, वो दर्द भी सहन हो जाएगा। पर स्कूल खत्म होने के बाद यूनिफॉर्म, इसका दुख कभी कम नहीं होने वाला है भाई। एकदम डिप्रेशन चल रहा था 2 हफ्तों तक, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूनिफॉर्म। पर फिर जैसे तैसे हमने केटी पेरी के गाने और कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुन के अपने आप को डिप्रेशन से बाहर लाया। अब इसके बाद कॉलेज का यूनिफॉर्म खरीदने दुकान में गए, हाँ भाई कॉलेज का यूनिफॉर्म, पर वहां जाके पता चला कि भाई अपने साइज का यूनिफॉर्म तो मिलता ही नहीं है। तो अब एकदम रिलैक्स भाई, अपने को यूनिफॉर्म नहीं मिला मतलब अभी कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ेगा, मस्त चिल लाइफ। पर साला वही समय पे दुकान के दूसरे कोने से एक भिखारी चिल्लाता है, हां कोई बात नहीं, माप देके चले जाओ, सील के मिल जाएगा आपको यूनिफॉर्म। क्या दिक्कत क्या है तेरे जीवन में, हां यूनिफॉर्म मेरा है, मेरे साइज का नहीं आया, मैं चुपचाप जा रहा था ना, क्या जरूरत था तेरे को मेरे पापा के सामने चिल्ला के बोलने की सील के आपको मिल जाएगा, हैं? What goes your भापुस? Explain me that. What is going your भापुस? तो धंधा करना, कपड़े बेचना, अपने मेरे पीछे क्यों लगाए तू? वैसे वो धंधा ही कर रहा था, कपड़े तो बेच रहा था अपना वैसे। भाई वो टाइम पे मेरा मन कर रहा था कि साले को हॉकी स्टिक निकाल के मारूं, बट क्या करूं यार, वो 2011 की कहानी है और वो टाइम पे मैंने ये डायलॉग इन्वेंट भी नहीं किया था। तो फाइनली 2-3 दिन के बाद यूनिफॉर्म सिल के आ गया, भाई साहब ने पैंट मेरे साइज का नहीं बनाया, मतलब वो इतना टाइट था ना कि उसको पहन के अब अगर एक बार चेयर पे बैठो ना तो एटलीस्ट 9-10 धागे फटने की आवाज आते थे। मतलब एक बार निकी मिनाज या किम कार्डाशियन के पैंट इससे लूज होंगे। अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि रॉनी तू बंक के बारे में बताने वाला था और तू यूनिफॉर्म में क्यों घुस गया। एक्चुअली ये यूनिफॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बंक में, द बंक ऑफ द सेंचुरी को बहुत ही डिटेल से प्लान किया गया। तो कॉलेज में मेरे 2 बहुत ही अच्छे दोस्त थे जो दोनों के दोनों एक नंबर के टट्टी थे,
पर भाई है अपने यार। अब ये दोनों टट्टे इस स्टोरी के लीड कैरेक्टर्स हैं मेरे साथ। तो जूनियर कॉलेज का पहला साल 11th बहुत ही आराम से बीत गया, फिर आया 12th। अब देखो 11th में अपनी मस्ती की मात्रा यहाँ तक थी और 12th आते आते अपनी चौड़ बढ़ गई। अब ये 11th 12th के टाइम में मेरे अरमान बहुत ही बड़े बड़े थे। 11th में मुझे CA बनना था और 12th में मुझे CS करना था और लास्ट में ABCD कुछ नहीं यूट्यूबर बन गया। अब ऐसे एक दिन हम तीन दोस्त हर रोज की तरह कॉलेज के बेसमेंट में आकर बैठे थे कॉलेज शुरू होने के पहले। वहाँ बैठ के मस्त टाइम पास कर रहे, चिल मार रहे, तभी एक बंदा अचानक से बोल उठा, भाई आज कॉलेज बैठना है। अब देखो तुम सुबह सुबह एकदम सज धज के रेडी होके आते हो कॉलेज बैठने के लिए, ये सोचकर कि कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई करेंगे और टॉप करेंगे, फिर जब कोई ये डायलॉग मारे ना, भाई आज कॉलेज बैठना है, तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होता है, आपके छुपे हुए अरमान जाग जाते अचानक से। फिर क्या, मैंने बोला भाई मेरा भी मूड नहीं है और बाकी तीनों के फीलिंग्स म्यूचुअल थे, हम एक दूसरे के भावनाएं समझ गए और वहां से कट लिए। ये वन बंक सक्सेसफुल। अगले दिन फिर से कॉलेज पहुंचे, मैं और एक बंदा तीसरे का वेट कर रहे थे जो थोड़ी देर बाद आता है। अब ये तीसरा बंदा कॉलेज जाके सबसे पहला सवाल करता है, भाई आज भी बैठे हैं? देखो अभी हम दोनों फुल मूड बना के आए थे कि आज कॉलेज बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, बट ये तीसरा टट्टी जब आके बोलता है कि आज कॉलेज बैठना है, फिर से अरमान जाग गए भाई। फिर क्या, कॉलेज से फिर कल्टी, डे टू बंक सक्सेसफुल। अब ये डे टू में घर जाते समय एक दूसरे को अच्छे से बोला था कि भाई 2 दिन हो गया, बहुत हुआ, कल पक्का कॉलेज बैठना है, और सबने इस बात पे एग्री किया। फिर आया डे 3, तीनों कॉलेज के नीचे आके मस्त आराम से बैठे थे और अपने फोन में लगे हुए थे। फिर अचानक मैं मेरे फोन से ऊपर देखा और मेरे सामने खड़ा टट्टी मेरे तरफ देख के हंसने लगा। हमको हंसते देख तीसरा बंदा भी हंसने लग गया और उस दिन एक जादुई शब्द का इन्वेंशन किया गया था, चलो। बस एक बंदे ने उस दिन बोल दिया चलो। फिर क्या, सब लोग भावनाएं समझ गए और फिर से कट लिया कॉलेज से। डे 3 बंक सक्सेसफुल। फिर ऐसे ही डे 4 आया, किसी ने फिर से बोल दिया चलो। डे 5 चलो। डे 6 चलो। अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ ये बंक और यूनिफॉर्म का क्या संबंध है। देखो मेरे साइज का पैंट मुझे नहीं मिला था, इसका मतलब मेरे पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म का पैंट नहीं था। अब मैं ऊपर यूनिफॉर्म का शर्ट पहनता था और नीचे जीन्स पैंट। अब ये शर्ट के नीचे टी शर्ट हमेशा रहता था। जैसे हम लोग ये जादुई शब्द बोलते थे ना चलो, मैं सरेआम रस्ते के बीच में सुपरमैन बन जाता था अपना शर्ट खोल के इस तरह, बस यूनिफॉर्म से सीधे सीधे कैजुअल कपड़ों में। फिर ऐसे एक हफ्ता बना, एक महीना बना, 2 महीना, और 2 महीने से सीधा 3 महीना। फिर एक दिन हम तीनों में से 2 लोग कॉलेज नहीं गए, मतलब हम लोग घर से निकले ही नहीं, और तीसरा बंदा अकेले कॉलेज चला गया। अब वो अकेले जाके उसको पता लगा कि आधा क्लास कॉलेज आया ही नहीं है, तो सोच रहे हैं अकेले बैठ के क्या करूंगा, मैं भी कट लेता हूँ घर पे। अब ये भाई इतना बड़ा अति बुद्धि मनुष्य है कि भैया कॉलेज चालू होने के बाद कॉलेज के सामने वाले रस्ते पे ऐसे भटक रहा है जैसे वो रास्ता उसके बाप का है, और ऊपर से भाई ने कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन रखा है। अब रोड में भटकते हुए सामने से उसके तरफ आए हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल। हम सब 10 सेकंड का मौन व्रत रखते हैं इसके लिए। अब तुम लोग समझ ही गए होंगे कि लग गए। अब इसको उठा के लेके गए प्रिंसिपल के ऑफिस कि भाई कॉलेज आज में तुम बाहर क्या कर रहे हो। देन वन थिंग लेड टू अनदर एंड फाइनली कॉलेज का अटेंडेंस रिपोर्ट शीट लेकर आया गया, और वहां से पता चला कि ये भाई लास्ट 3 महीने से कॉलेज आया ही नहीं है, और इसके चक्कर में ये भी खुलासा हो गया कि उसके साथ साथ हम दोनों भी कॉलेज नहीं आए थे, देख रहे हो। फिर क्या, इसका एकदम इंट्रोगेशन किया गया और हम तीनों कॉलेज बुला लिया। देन वन थिंग लेड टू अनदर, और ऐसे करते करते हम तीनों कॉलेज पहुंच गए और हम तीनों के डैड्स को फोन चला गया कि आप लोग कॉलेज में आ जाओ। जिसके बाद हम तीनों के पापा एक एक करके मस्त कॉलेज के गेट से एंट्री मार रहे थे। मेरे पापा एकदम HHH की तरह मेरे को लुक देते हुए आए। दूसरे बंदे के पापा रैंडी ऑर्टन की तरह एकदम धीरे धीरे आराम से एपेक्स प्रेडेटर द वाइपर की तरह चलते हुए अंदर आए, और लास्ट में जो बंदा पकड़ा गया था ना उसके पापा भाई जॉन सीना की तरह सल्यूट मार के भागते हुए आए। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जॉन सीना रिंग में आकर टोपी फेंकता है और इसके पापा रिंग में आकर सीधा हाथ फेंक के मारा साले के कान के नीचे। अब हम तीनों के पापा को पूरी स्टोरी समझाई गई फ्री एक्सेसरीज के साथ, जहाँ पे उनको ये भी बताया गया कि हम कॉलेज में कितना मस्ती करते हैं, कितने लोग को डिस्टर्ब करते हैं, क्या क्या नहीं करते। अरे भाई 3 महीने से कॉलेज आए ही नहीं तो किसको डिस्टर्ब करेंगे। फिर उसके बाद जो हुआ ना वो हम और आप अपने जीवन में कभी सोच नहीं सकते। हम तीनों के पापा एक दूसरे के बचपन के दोस्त निकले। फिर क्या, 3-on-3 टैग टीम मैच। बट सबसे बेस्ट रिएक्शन मेरे दोस्त के पापा का था। उनको हमारी क्लास टीचर मस्त बुला के बता रही है, हाँ देखो आपका बेटा 3 महीने से कॉलेज नहीं आया, देखो देखो एब्सेंट 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 एब्सेंट। और उसके पापा देख के मस्त बोलते, कॉलेज नहीं आया, अरे बेटा तो रोज घर से निकलता है,
तो पहुंचता किधर है तू? बस फिर इसके बाद क्या, आज कॉलेज बैठना है और स्पेशली चलो, ये दोनों सेंटेंसेस में बैन लगा दिया गया और हम लोग इज्जत से कॉलेज बैठने लग गए। देखो हम कॉलेज तो नहीं जा पाए बट जूनियर कॉलेज में हमने कॉलेज से ज्यादा मस्ती की थी। तो यार गाइस जोक्स अपार्ट, ऑनेस्टली हम लोग ने जो किया वो बहुत ही गलत है। मैं तुम्हें से कभी किसी को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसे कुछ करना। देखो कभी कभार एक दो दिन बंक चलता है पर हमारी तरह ऐसे गंदे वाले स्टंट मारने मत जाना। और आज जो कॉलेज और स्कूल के दिन है ना उसको एंजॉय करके लो क्योंकि बाद में एक ऐसा टाइम आएगा जब आप इन सबको मिस करोगे। तो यार विद दैट बीइंग सेड आज के वीडियो को यही पर एंड करते हैं। अगर वीडियो देखकर आपको जीवन का आनंद मिला है तो इस वीडियो को लाइक मार दो और अगर आपने मुझे अभी तक ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाकर फॉलो करो @theRoni। और अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन से जाकर मार दो। मगर प्यार से हैं, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। आई एम जूलियन एंड दिस इज रॉनी एंड यू जस्ट सॉ द रॉनी शो। बाय बाय।